स्वर्ण से निर्मित इस अक्षय पात्र से एक क्षण के लिए भी दृष्टि मत हटाना सखानंद। यदि ये चोरी हुआ तो महाराज हमारे प्राण छीन लेंगे। इस चमत्कारी पात्र के बारे में तो मैंने भी सुना है, इसमें कुछ भी डालो वो कई गुना हो जाता है, परंतु महाराज ने पात्र यहाँ क्यों रखवाया होगा? हमने सुना है कि महाराज यहाँ पर बहुत बड़ा ब्राह्मण भोज करने वाले हैं, जिसमें सभी गांव वाले भी सम्मिलित होंगे। भोज के पश्चात इस पात्र को वापस महल लेकर जाना है, लेकिन तब तक हमें इसका ध्यान रखना होगा। कौन है ये बाण? किसने छोड़ा है जिसने हमारे अक्षय पात्र में छेद कर दिया? इसे शीघ्र ही निकालो, अन्यथा महाराज हमारे प्राण निकाल देंगे। जल्दी निकालो। ठहरो, अक्षय पात्र को स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया तुम लोगों ने? इसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। महाराज हम इसे छू नहीं रहे थे, हम तो ये बाण बाहर निकाल रहे थे। बाण? किसने किया ये दुस्साहस? पता नहीं महाराज, हम तो इस पात्र की रक्षा कर रहे थे, तभी अकस्मात ऊपर से बाना के इस पात्र में धस गया। जिसने भी किया है वो आसपास ही होगा, जाओ शीघ्र अति शीघ्र उसे ढूंढ कर हमारे समक्ष लाओ, जाओ। जी महाराज। ये बाण किसका हो सकता है? जिस किसी का भी है, आज उसे मेरे हाथों से मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। प्रभु, प्रभु। क्या हुआ लघु मुखा जी? प्रभु, प्रभु, आपका बाण दूर, बहुत दूर चला गया प्रभु। जानता हूँ लघु मुखा जी, इसलिए हमें शीघ्र बाण तक पहुंचना होगा। चलिए प्रभु। प्रभु, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका नामकरण संस्कार करना चाहिए प्रभु। वो क्यों काकराज? वो क्या है ना प्रभु, इनका नाम है लघु मुखा और मुझे मुखा करने का बड़ा मन हो रहा है प्रभु। क्या हुआ काकराज, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ प्रभु। प्रतीत होता है कि आपकी पीड़ा अभी तक गई नहीं है। चलिए हम कहीं विश्राम कर लेते हैं। नहीं प्रभु, हमें विलंब हो जाएगा प्रभु। विलंब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे किसी भी मित्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। चलिए हम सब कहीं विश्राम कर लेते हैं। विश्राम कीजिए। यहाँ तुम तभी विश्राम कर सकते हो पथिक, जब तुम मेरी एक बात मानोगे। बोलता हुआ वृक्ष प्रभु। प्रभु, इस वृक्ष में अवश्य ही कोई प्रभु माया है। यदि कुछ और क्षण यहाँ ठहरे तो हम घोर संकट में पड़ सकते हैं प्रभु। चलिए प्रभु। ठीक है काकराज, चलिए।
आइए काकराज, हम यहाँ विश्राम कर लेते हैं। हाँ प्रभु। यहाँ तुम तभी विश्राम कर सकते हो पथिक, जब तुम मेरी एक बात मानोगे। प्रभु, ये वृक्ष भी बोल रहा है। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि सारा का सारा वन मायावी वन है। प्रभु, हम कहीं और विश्राम कर लेते हैं। नहीं काकराज, हम यही विश्राम करेंगे और इस वृक्ष की बात भी अवश्य सुनेंगे। हे वृक्ष, हमें यहाँ विश्राम करने दीजिए, उसके पश्चात हम आपकी बात अवश्य सुनेंगे। ये परशुराम का वचन है। तो अब आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। यदि तृष्णा लगी है तो समीप ही एक नदी भी है। प्रभु, मैं अपनी तृष्णा अभी बुझा कर आता हूँ। काकराज जी, आप विश्राम कीजिए, आपके लिए जल लेके मैं आता हूँ। तुम इनके लिए जल नहीं ला सकते, क्योंकि उस नदी की विशेषता यही है कि जो भी प्यासा होता है उसे स्वयं उस नदी के समीप जाना पड़ता है। धन्यवाद लगमुखा जी, कोई बात नहीं, मैं स्वयं नदी पर जल पीकर आता हूँ। जी काकराज जी। प्रभु, यदि बाण चलाने वाला हमें नहीं मिला तो महाराज हमें दंड दे सकते हैं। अरे शुभ शुभ बोलो, हम बाण चलाने वाले को अवश्य खोज लेंगे। रुको, ये विचित्र सा प्राणी कौन है? कहीं ये वही तो नहीं? ए! रुको, कौन हो तुम जो हमारे राज्य की सीमा में भ्रमण कर रहे हो विचित्र पथिक? मैं काकराज हूँ, मुझे तृष्णा लगी थी तो मैं नदी में पानी पीने जा रहा था। क्या तुमने मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो धनुषधारी है? देखा क्या, मैं उस धनुषधारी का तो तुच्छ सा सेवक हूँ, किंतु आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हमारी वाटिका में एक बाण गिरा है और वह अवश्य ही उसी के धनुष से छूटा है जिसके तुम सेवक हो। हाँ, हम उसी बाण को खोज रहे हैं। और हम भी उसी व्यक्ति की खोज में जिसने बाण चला है। बताओ कौन है वो? पहले तुम दोनों पहले वो बाण दिखाओ, उसके पश्चात मैं तुम्हें उस धनुषधारी से मिलवाऊंगा। आओ हमारे साथ। हाँ ठीक है, चलो। अभी तक उसे ढूंढ कर क्यों नहीं लाए जिसने हमारे अक्षय पात्र पर ये बाण चलाया है? महाराज की जय हो। ये किस विचित्र प्राणी को पकड़ कर लाए हो मूर्खो, जो आधा मानव और आधा पक्षी लग रहा है? ये उसी बाण चलाने वाले का सेवक है महाराज, अपने स्वामी के बाण की पहचान करने आया है। ओ, तो देख कर बताओ, क्या ये वही बाण है जो तुम्हारे स्वामी ने चलाया है? ये तो वही बाण है। अब हमारी खोज समाप्त हुई। खोज के साथ साथ जीवन भी समाप्त हो सकता है विचित्र प्राणी। बताओ कहाँ है वो दृष्ट बाण चलाने वाला जिसने हमारे अक्षय पात्र को खंडित किया है? प्रभु के बाण से इस राजा को अति हानि हुई है, अतः अभी प्रभु के विषय में बताना उचित नहीं होगा। किस विचार में डूब गए विचित्र प्राणी? बताओ कहाँ है वो व्यक्ति जिसके धनुष से ये बाण छूटा है? महाराज, मैं तो भूल गया। हाँ, किंतु स्मरण आते ही मैं आपको अवश्य बता दूंगा। तो ठीक है, जब तक इसकी स्मरण शक्ति लौट कर अपने स्थान पर ना आ जाए तब तक इस विचित्र प्राणी को
किसी खंभे या वृक्ष से बांध दो। ले जाओ। चलो अब तुम हमारे बंदी हो। लघुमुखा जी, काकराज अभी तक नहीं लौटे। हाँ प्रभु, कहीं वो किसी संकट में ना हो प्रभु। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं काकराज जी को ढूंढ कर लाता हूँ। जी प्रभु। हे पथिक, आप अपना वचन तोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। या आप भूल गए कि आपने विश्राम के पश्चात शीघ्र मेरा कार्य करने का वचन दिया था? उचित है, फिर बताइए क्या कार्य है आपका। तो सुनिए, इस वन के समस्त वृक्षों को एक निर्धन माली और मालन ने मिलकर लगाया है, अतः वो दोनों हमारे धर्म माता पिता है, किंतु अब वो अति दुखी है और हम उनका दुख दूर करने के लिए आपकी सहायता चाहते है। उचित है, यदि मुझे ठीक लगा तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। बताइए क्या कष्ट है उन्हें? ये आपको उनसे भेंट करते ही ज्ञात हो जाएगा। वो दोनों उत्तर दिशा के प्रथम गांव की प्रथम कुटिया में ही रहते हैं। अब आपको पहले उनसे भेंट करनी होगी, उसके पश्चात ही आप अपने मित्र को खोजेंगे। किंतु काकराज को ढूंढना भी आवश्यक है। प्रभु, माली और मालन से भेंट करने आप जाइए, काकराज जी को ढूंढने मैं जाता हूँ। उचित है, किंतु आप अपना ध्यान रखिएगा। जी प्रभु। काकराज जी, काकराज जी, काकराज जी, अब तो नदी भी पीछे छूट गई, किंतु काकराज जी कहीं दिखाई नहीं दिए। हम मुझे क्यों ना कितना ही चलना पड़े, किंतु काकराज जी जहां होंगे मैं उन्हें खोज कर ही लाऊंगा। काकराज जी, अरे कोई है? अरे बात के ही रखोगे या भोजन भी दोगे? कोई है क्या? शांत हो जाओ, शांत रहो विचित्र प्राणी। तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, परंतु उससे पूर्व तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि वो कौन है जिसने अपने बाण से हमारे अक्षय पात्र को भेदा है। महाराज, आपको तो स्मरण है ना कि मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। किंतु महाराज आप एक काम करिए, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करिए। हो सकता है कि भोजन करने के बाद मेरी स्मरण शक्ति वापस आ जाए। सैनिकों जाओ, इसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र भोजन लेकर आओ। जी महाराज। और हाँ, बासी भोजन मत लाना, काकराज के लिए गरम गरम भोजन लेकर आना। जाओ जाओ, भोजन लेकर आओ इसके लिए। जी महाराज। ये बताओ विचित्र प्राणी कि तुम हो कौन?
मैं तो अपने प्रभु का तुच्छ सा सेवक हूँ महाराज। प्रभु? कौन प्रभु? वही जिसका बाण आपके पात्र में आ घुसा था। कैसा दिखता है तुम्हारा ये प्रभु, और वो मुझे कहाँ मिलेगा? यही कि स्मरण कर रहा हूँ महाराज, कदाचित भोजन करने के पश्चात स्मरण हो जाए। लीजिए, भोजन भी आ गया महाराज। अब भोजन देखना थोड़ी ना है, खाना भी है। आओ आओ, काकराज के हाथ खोलो, शीघ्र करो। आओ आओ आओ, बंधन खोल दो इसके। जी महाराज। अरे भाई शीघ्र करो, आओ आओ। विचित्र प्राणी, तुम यहां से कदापि नहीं भाग पाओगे, कदापि नहीं। इतना स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात महाराज कोई मूर्ख ही होगा जो यहां से भागेगा। अरे लाओ लाओ, काकराज को भोजन दो। स्वादिष्ट खाना था महाराज। यदि मेरे पास धन होता तो मैं आपके रसोइयों को उपहार अवश्य देता महाराज। उपहार तो हम दे देंगे विचित्र प्राणी, अब तुम शीघ्र से शीघ्र बताओ कहाँ है तुम्हारा वो प्रभु जिसने हमारे अक्षय पात्र पर पाण छोड़ा है। महाराज, यही तो स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूं। अवश्य है महाराज, भोजन में कुछ कमी रही होगी। चतुर प्राणी, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, शीघ्र अति शीघ्र हमें अपने प्रभु के विषय में बताओ। महाराज, प्रयास तो कर रहा हूं किंतु स्मरण नहीं हो रहा महाराज। किंतु महाराज, मैं थोड़ा सो लेता हूं। किंतु महाराज, आप यहां से जाइएगा मत। जैसे ही मुझे स्मरण होगा महाराज, मैं आपको सूचित कर दूंगा। मैं सो लेता हूं महाराज। ये तो सो गया महाराज। बड़ा ही चतुर प्राणी प्रतीत होता है ये मुझे, इसके हाथ पुनः बांध दो और एक कार्य करो, दूर से इस पर अपनी दृष्टि रखो। जी महाराज। इसका तथा कथित प्रभु इसे बचाने अवश्य आएगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे। बांध दो इसे। जी महाराज। ये लोग कौन है जो गुफा के अंदर से निकल रहे हैं?
इसका मतलब गुफा के अंदर कोई तो है, चल करके देखना होगा। तो अपने काकराज जी हैं, ये बंदी कैसे बने? इतना स्वादिष्ट भोजन, समझ नहीं आ रहा ये काकराज जी किसी की अतिथि हैं या बंदी। काकराज जी, ये हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि अब तुम भी इसी की तरह हमारे बंदी हो। उस वृक्ष ने तो मुझे यही स्थान बताया था, कदाचित वो माली मालन यही रहते होंगे। कोई है? प्रणाम। प्रणाम, क्या आप ही वो माली मालन हैं जिन्होंने निस्वार्थ अपने हाथों से अनिष्ट वृक्ष लगाए थे? हम वही हैं, किंतु आप कौन? मैं एक पथिक हूं जिन्हें आपके लगाए हुए वृक्ष ने यहां आपकी सहायता के लिए भेजा है।